लेकिन टीसी ने तो सुनी ही नहीं उसकी, और ऊपर से आसपास सो रहे लोगों के कानों पे भी जू तक नहीं रेंगी। किसी को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। और आखिरकार फर्क पड़ा। टीसी ने एक जोरदार धक्का मारा आरव को और एक जोरदार आवाज हो गई। आरव की नींद अपनी बर्थ पे खुली जब वो एक झटके और धमाके जैसी आवाज से लगभग अपनी मिडिल बर्थ की चेन्स के बीच में उलझ सा गया था। उसने टिकट चेक किया, अपना बर्थ नंबर चेक किया और फिर जरा सुकून मिला उसे, ये देख के कि वो सिर्फ एक सपना ही देख रहा था। आरव बैठे बैठे इधर उधर देख ही रहा था जब उसे अचानक एहसास हुआ कि धमाके जैसी आवाज हुई, इतनी तेज झटका लगा, ट्रेन रुकी हुई है और वो अकेला ही जागा हुआ है। अरे कोई तो होगा जिसकी पलकें झपकी होंगी इस पर, लेकिन चारों ओर सिर्फ खर्राटों की आवाजें ही गूंज रही थी। कहीं भी कोई ऐसा नहीं दिख रहा था पूरे डब्बे में कि लगे कहीं कोई इंसान जाग रहा हो। आरव दरवाजे से नीचे गिट्टियों पर उतरा और इधर उधर देखने लगा, लेकिन कोई नहीं दिखाई दिया जो ट्रेन से उतरा हो उसके अलावा। आरव ने एक सिगरेट जलाई और चुपचाप पीता रहा उसे जब तक किसी के पैदल गिट्टियों पर से चलने की आवाजें सुनाई दी। अंधेरे में किसी तरह ट्रेन से आती हल्की सी रोशनी में एक शॉल ओढ़े हुए आदमी आया और उसने कहा, क्या हुआ बाबू साहब, नींद बढ़िया थी, अब तो बर्थ भी मिल गई आपको। आरव ने सर उठाकर उधर देखा जहां से आवाज आ रही थी, तो आरव का मुंह खुला का खुला रह गया। उसके सामने शॉल ओढ़े हुए वही आदमी इस वक्त खड़ा था जो कुछ देर पहले ही ट्रेन से बिना किसी वजह या बात के कूद गया था। आरव उसे देखते ही तुरंत वापस डब्बे में अपनी सीट की खिड़की बंद करने गया, तो एक सड़ा गला सा हाथ अंदर आने की कोशिश कर रहा था। किसी तरह आरव ने एक झटके में वो कांच की ट्रेन की खिड़की मशक्कत से खींचकर एक जोरदार झटके में बंद की, तो वो हाथ खिड़की के नीचे दब कर कट गया और आरव की पूरी शर्ट पर अब सिर्फ खून ही खून था। आरव बिल्कुल बदहवास सा होकर अपनी सीट से उठा और सीधा बाथरूम में भागा। ट्रेन चल चुकी थी और फुल स्पीड में थी। बाथरूम में आरव अपने कपड़ों पर लगे खून के धब्बे धोने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो धब्बे सिर्फ हल्के ही हुए, मिटे नहीं। पागलों की तरह अपनी शर्ट को नाखूनों से घिस घिस कर आरव साफ करने की कोशिश कर रहा था जब अचानक से एक आवाज हुई। चलती ट्रेन में खिड़की के कांच पर एक हाथ साफ साफ खटखटाता हुआ आरव को दिखाई दे रहा था। आरव बुरी तरह से हांफ रहा था, किसी पत्थर की चट्टान की तरह आरव वहीं का वहीं जड़ होकर खड़ा था। हिलना चाह रहा था, वहां से भागना चाह रहा था, लेकिन आरव सिवाय तेज तेज सांसें लेने के और कुछ भी नहीं कर पा रहा था।
आखिरकार आरव ने अपने बदन की पूरी ताकत और दिलो दिमाग की पूरी ताकत झोंक दी और एक झटके से बाथरूम का दरवाजा खोला और दरवाजा खोलते ही सामने वही आदमी खड़ा था और आरव के मुंह पर इतनी जोर से चीखा कि बस तुरंत